हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली बनाओ, दिल्ली बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली बनाओ, दिल्ली बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली बनाओ। गंदे नाली के पानी से स्नान कर सरपंच और ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी नाली की समस्या का नहीं हुआ निदान। पिछले कई वर्षों से सड़क पर बह रहा है घरों का गंदा पानी। राहगीरों के लिए बना परेशानी का सबब। खबर बिहार के रोहतास जिले के कोचस से है, जहां कोचस प्रखंड क्षेत्र के खैरा में मुख्य सड़क पर घरों का गंदा पानी बहने से नाराज सरपंच और ग्रामीणों ने गंदे नाली के पानी से स्नान कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी नाली की समस्या का निदान नहीं हुआ। स्थिति ये है कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा पड़ा है, जो राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सड़क पर घरों का गंदा पानी बह रहा है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण डीएम, विधायक, मुखिया सहित कई जन प्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, कई बार तो लोग गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब सड़क निर्माण हो रहा था, तब बोला गया था कि सड़क किनारे नाली का निर्माण करवाया जाए। उस समय सड़क के किनारे दोनों तरफ परती जमीन में पानी चली जाती थी, लेकिन अब उस जमीनों पर किसानों के द्वारा मिट्टी भराई कर वहां पर अपनी फसल उपजाई जा रही है, जिसके कारण अब नाली का बहाव सड़क पर आ गया है। हम लोग अपना रोज प्रगत कर रहे हैं गंदा पानी में नहाने के लिए, इसलिए या 10 साल से विधायक या मुखिया या जिलाधिकारी महोदय कहाँ लेटर दिया गया है, वीडियो साहब कहाँ कहा गया है, कई बार हम कह चुके हैं और गांव के लोग कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। और बच्चे, गांव के नर नारी आप देख रहे हैं कि पूरा गांव का गंदगी के पानी में खेल कर हम लोग जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि आजाद भारत में हम लोग नहीं जी रहे हैं, गुलाम भारत में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। नाली यहाँ का बहुत खराब हो गया है, रोड पे बहुत जगह जगह गड्ढा होने के कारण बच्चों को आने जाने में हम लोग तो प्रतिदिन आते जाते रहते हैं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका कार्रवाई किया जाए और शुरू किया जाए। मुखिया, सरपंच, मुखिया लोग भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कई सालों से, कई वर्षों से हम लोग को मतलब झेलना पड़ रहा है। नाली का समस्या है, नाली नहीं बना है, अगल बगल 10 बीघा खेत है, सब पानी से बुड़ जाता है। इस स्थिति में इसको बांध दिया गया है, पानी भरा हुआ है। गांव के बेटी बहन को आने जाने में बहुत दिक्कत है और हम लोगों को दिक्कत है, बच्चों के विद्यालय में लोग जाता है, उन लोग भी सोचनीय विषय है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों और सरपंचों के इस विरोध प्रदर्शन से अधिकारी सुध लेते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।